हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 12 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये अवार्ड किसे मिला है? तो नाटू नाटू को मिला है। कौन सी फिल्म का है? ट्रिपल आर। डायरेक्टर कौन है? एसएस राजामौली। तो देखिए काफी ज्यादा प्राइज जो है ट्रिपल आर को, बेस्ट डायरेक्टर के लिए एसएस राजामौली को एंड इस सॉन्ग को मिले हैं। तो ये काफी बार हम आज तक डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता एज सच आपके लिए कोई नई चीज होगी ये, है ना। चलिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज हो गई। अब थोड़ा सा गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, देखिए इस साल 18th एडिशन हुआ है, 10 जनवरी को हुआ था। यहाँ पे करते क्या है, कौन से अवार्ड्स, किसे अवार्ड्स दिए जाते हैं? ऑनर द बेस्ट इन फिल्म एंड अमेरिकन टेलीविजन। फिल्म्स में या अमेरिकन टेलीविजन में जो भी बेस्ट होता है उनको यहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते हैं। जैसे हमारे फिल्म फेयर होते हैं, नेशनल फिल्म फेयर, ये वो, बस वैसा अवार्ड है ये। ठीक है, नाउ द बेवरली हिल्टन बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया यूएसए, इस लोकेशन में ये होते हैं, मतलब इवेंट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, होस्टेड बाय, इस साल किसने होस्ट किया है? क्वेश्चन ये है, जेरोड कारमाइकल ने किया। ये हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है एक बार, है ना। ही इज एन अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन एंड एक्टर। ठीक है, नेटवर्क, नेटवर्क मतलब कौन से चैनल पे शो किया गया? एनबीसी पे। जैसे इंडिया में रहता है ना, जी टीवी है, स्टार न्यूज है, आज तक है, वैसे ही एनबीसी जो है वहां पे नेटवर्क है, उस पर ये टेलीकास्ट किया गया है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, गोल्डन सॉरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन ग्लोब में किसे दिया गया है? नाटू नाटू को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और अपना सेकेंड पॉइंट आज का कवर करते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम की बात की गई है, राइट। प्रोग्राम का नाम क्या है? The Aspirationals Block Program launched by, ये एक प्रोग्राम है, The Aspirationals Block Program, इसको लॉन्च किसने किया है? क्वेश्चन आपका ये है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? लॉन्च्ड विद द एम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लॉक्स विद इन द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन वेरियस पैरामीटर्स। अब देखिए नेशन में कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लिए गए हैं, उनमें अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है डेवलपमेंट करनी है। मेनली जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इसमें लिए गए हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, सड़कें पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है, तो वैसे डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट सेक्टर्स को इंक्लूड करके जो है वहाँ पर डेवलपमेंट करनी है। ये एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, किसी पर्टिकुलर एरिया में विकास करना है तो उसके लिए ये इनिशिएटिव है। ठीक है, इट विल कवर 500 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटीज। जो 31 स्टेट्स एंड यूटीज है उसमें 500 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करेगा। द एस्पिरेशनल्स ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं आज की थर्ड न्यूज। इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का थर्ड न्यूज है मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स 2023। ऑस्कर्स 2023 के लिए जो मूवी नॉमिनेट की गई, नॉमिनेशन आप समझते हैं कि 3-4 मूवीज को नॉमिनेट किया जाता है एक पर्टिकुलर अवार्ड के लिए, फिर लास्ट में किसी एक को मिलता है। तो नॉमिनेशन मतलब सिलेक्शन हुआ है, अब उसको मिलता है या नहीं मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेशन हुआ है एक मूवी का ऑस्कर्स 2023 में, तो क्या नाम है उस मूवी का? क्वेश्चन इस तरह से है, तो मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल्स। किसकी फिल्म है? विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इसके अलावा जो ट्रिपल आर है एसएस राजामौली की, उस मूवी को भी नॉमिनेट किया गया है। एंड अदर नॉमिनेशंस मतलब जो भी मूवीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं और जो नॉमिनेट की गई हैं ऑस्कर्स 2023 के लिए, उसका हम पढ़ रहे हैं। कंतारा है, गंगूबाई काठियावाड़ी है एंड द शैलो शो है। कंतारा जो है ऋषभ शेट्टी की मूवी है, गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला भंसाली एंड द शैलो शो पान नालिन। ठीक है, तो ये थर्ड वाला तो मुझे नहीं पता क्या है, बट कुछ मतलब ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तभी ऑस्कर्स तक पहुंचा है ना। तो चलिए हमारा अभी फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। हमने तीन करंट अफेयर्स पढ़े, तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पढ़ा गोल्डन ग्लोब अवार्ड का, तीसरा पढ़ा ऑस्कर अवार्ड का और सेकेंड पढ़ा एक प्रोग्राम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फाइन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे एक बुक, एक ऑटोबायोग्राफी की बात की गई है, तो जिसका नाम है निजान साक्षी।
ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल गफर की। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि अपनी लाइफ के बारे में जो अपने आप लिखता है, ठीक है। बायोग्राफी क्या होता है कि किसी की लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है, बट राइटर कोई और है। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में राइटर भी वही होता है, उसी इंसान वही इंसान जो है अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। समझ रहे हैं ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बुक्स, इन सबका डिफरेंस। सो ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल गफर की, निज़ाम साक्षी, और ये रिलीज, मतलब इस होता ना कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पे प्रॉपर वे से को लॉन्च किया जाता है, तो आप रिलीज या लॉन्च्ड बाय लिख सकते हैं क्रिकेटर MS धोनी, ठीक है। अभी अब्दुल गफर हैं कौन, तो काफी फेमस प्रिंसिपल हैं ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल हैं अब्दुल गफर जी, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, रिसेंटली किसी की डेथ हुई है उसके बारे में पढ़ना है। डॉक्टर तेहमटोन ई उदवादिया, ठीक है, अभी एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, कैसे वो हम यहीं पे जानेंगे। पास्ट अवे रिसेंटली, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं आपको पता होगा। अब क्यों ये इतने ज़्यादा फेमस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं कि इनकी रिसेंटली डेथ हुई, तो वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ही इज कंसिडर्ड एज और नोन एज द फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इंडिया। इंडिया में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के फादर ये माने जाते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में देख रही थी, तो कुछ इस तरह से होता है कि आपके एब्डोमेन में अंदर मतलब क्या है, कैसे फंक्शनिंग हो रही है, वो देखना बिना चीर फाड़ किए हुए, तो ऐसा कुछ होता होगा, है ना। चलिए, फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन इंडिया डॉक्टर तेहमटोन ई उदवादिया, ठीक है। 2002 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, तो इसका मतलब ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इनको 2002 में पद्मश्री मिल चुका है। फादर ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माने जाते हैं इंडिया में, तो आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा फेमस होंगे, है ना। तो अब इनकी डेथ हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए सिक्स्थ पॉइंट आज का पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली, अब देखिए हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, जैसे हमने रिसेंटली पढ़ा कि सारिया मिर्जा ने रिटायरमेंट ली है ना इंटरनेशनल इससे, और अब हम पढ़ रहे हैं कि एक और ऐसे जो है प्लेयर है जिनका नाम है ड्वेन प्रिटोरियस, ही अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब ये क्रिकेटर हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, और इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। तो काफ़ी हमने करंट अफेयर्स आई थिंक पिछले एक महीने में पढ़े हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ली है ना। बेशक हमें पता नहीं होता मतलब, बट काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है ये भी, ड्वेन प्रिटोरियस, और ये है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका क्या है, मैंने 100 बार बताया, साउथ अफ्रीका इज नॉट द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, इट इज़ अ कंट्री सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, राइट। चलिए साउथ अफ्रीका का तो हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी अगली न्यूज़ है ना वो भी इसी से रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, ठीक है। तो इससे पहले, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का सेवन्थ पॉइंट पढ़ते हैं, हाईली कंटेजियस कोविड वेरियंट XBB.1.5 फाउंडिंग। अब देखिए, कोरोना आया था, वुहान से चला था, और सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सिचुएशन आप सबको पता है, सबने फेस की है, हेल्थ सेक्टर में कितने लोगों की डेथ हुई, कितनी हमें इश्यूज हो गए थे हॉस्पिटल्स के, सबको पता है। अब एक उसी की तरह हाईली कंटेजियस, मतलब जो एकदम से फैल जाता है, ऐसा कोविड वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम रखा गया है XBB.1.5। ये साउथ अफ्रीका में मिला है, फर्स्ट केस जो है इसका साउथ अफ्रीका में मिला है, और इसे जो है क्राकेन वेरिएंट भी कहा गया है। चलिए अब थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। तो अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके बीच में से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों इमेजिनरी लैटिट्यूडल लाइंस पास करती हैं। क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का पूरा तो मैंने नहीं बनाया है, मतलब जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वो पूरा नहीं बनाया है, सिर्फ साउथ अफ्रीका यहाँ पे बनाया है, ठीक है। नाउ इस तरह का है ये, ठीक है, साउदर्न पार्ट जो है अफ्रीका का वहां पे कंट्री सिचुएटेड है, अभी बीच वाला पार्ट ये अलग कंट्री है, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका क्या है, इट इज अ कंट्री सिचुएटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज ब्लैक हेयर। यहाँ पे 80% लोग जो है वो ब्लैक है, आपको पता है अपार्थाइड हमने पढ़ा था, ब्लैक पॉपुलेशन, व्हाइट पॉपुलेशन, कलर्ड पीपल, है ना, वो सब। तो चलिए पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट डेविड मबूजा, नहीं याद करना, इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए, बट एक बार जस्ट देख लीजिए उनकी कोई पर्सनैलिटी, जैसे कोई कहीं के प्रेसिडेंट हैं, कहीं के PM हैं, कहीं के किंग हैं, अगर वो न्यूज़ में आते हैं ना तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज आपको हर कंट्री का प्रेसिडेंट कैपिटल याद नहीं करना होता, ठीक है। कैपिटल्स की बात करें तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसकी तीन कैपिटल्स, जैसे इंडिया के है ना, न्यू दिल्ली ही है, सारे काम लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सब कुछ वहीं से होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग है, जुडिशियल कैपिटल अलग है, एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो गई आपकी प्रिटोरिया, एंड जुडिशियल कैपिटल हो गई आपकी ब्लोमफोंटेन, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा भाई साहब, ठीक है। लेजिस्लेटिव कैपिटल हो गई केप टाउन, तो आपने कहीं भी अगर सुना होगा ना, तो केप टाउन यही रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, यहाँ पे जॉनसनबर्ग है। एंड मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन अफ्रीका, अफ्रीका में ना मतलब जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सबसे ज्यादा है, समझ रहे हैं, अफ्रीका, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें साउथ अफ्रीका जो कंट्री है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है साउथ अफ्रीका में। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। आई होप जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए हमारा ये जो सेकंड पेज था हो गया कंप्लीट। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 8th पॉइंट है टू कैरी आउट द लॉजिस्टिक ऑपरेशंस इन द हिमालयन फ्रंटियर। हिमालयन जो रीजन है वहां पे अगर आपको लॉजिस्टिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए डिवॉल्व किया गया है यूएवी। और यूएवी क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हवा में उड़ने वाला एक व्हीकल है अनमैन्ड, जिसमें मैन नहीं मतलब इंसान नहीं बैठता, समझ रहे हैं। तो इस तरह से नाम रखा गया कि ड्रोन की तरह एक डिवाइस है, ठीक है। तो किसने डिवॉल्व किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिवॉल्व किया है, डीआरडीओ ने डिवॉल्व किया है। और जो यूएवी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैन फ्लाई विद 5 kg ऑफ पेलोड, 5 kg का भार उठाकर ये उड़ सकता है। इवन एबल टू ड्रॉप बॉम्ब्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, कभी भी जरूरत है तो कहीं पे जाके बॉम्ब को ये ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। प्लस इसकी खास बात ये है कि इसमें सारी आप सेटिंग्स कर दो, ये जाएगा लोकेशन पे जो भी है कैप्चर करना होगा करेगा और वापस अपनी होम लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये इसकी मतलब खासियत है, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखना है, यूएवी डिवॉल्व किया है डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल हिमालय रीजन में काम धाम संभालने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। काफी टाइम से डीआरडीओ का जिक्र नहीं हुआ था तो हमने नहीं पढ़ा है, तो मुझे लगता है आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किए थे उस टाइम पे मैंने पढ़ाया था डीआरडीओ के बारे में, है ना। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो सभी को पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो वो तो सोचने वाली बात है ही नहीं। इट इज चार्ज्ड विद मिलिट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिलिट्री के क्षेत्र में, मिलिट्री जो है आर्मी जो है इसके फील्ड में जो भी रिसर्च होगी जो भी डेवलपमेंट होगी वो सारा का सारा काम जो है डीआरडीओ को दिया गया है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मोटो की बात करें तो मोटो है इसका स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, मोटो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। India's largest and most diverse research organization, India की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा dynamic, सबसे ज्यादा diverse, जिसकी मतलब होते ना field या सोच फैली हुई है, इस तरह की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन, मोटो, काम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए एक और आ गई जिन्होंने जो है रिटायरमेंट ली है। अभी हमने पढ़ा था पीछे से, है ना, ड्वेन प्रिटोरियस का, कि वो क्रिकेटर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ली है, अभी साउथ अफ्रीका से है। तो अब एक और ऐसे आ गए हैं, एक और प्लेयर हैं, फुटबॉलर गैरेथ बाइल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल। वो क्रिकेटर थे, ये फुटबॉलर है, वो साउथ अफ्रीका से थे, ये वेल से हैं, गैरेथ बाइल वेल से हैं। तो देखिए मैप में, वर्ल्ड मैप में कहां पे आता है वेल्स, इन्होंने रिटायरमेंट ली है प्रोफेशनल फुटबॉल से, मतलब ये फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है रिटायरमेंट्स का काफी सिलसिला चल रहा है ना। चलिए ये तो हो गया हमारा 9th पॉइंट। अब इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सीधे चलते हैं अपना 10th पॉइंट आज का पढ़ते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टिक। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक जो है रिसेंटली बनाई गई है, बिल्ट बाय होम, बिल्ट बाय सुदर्शन पटनायक, सुदर्शन पटनायक के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। कितनी बड़ी है, 105 फीट लंबी है। कहाँ पे बनाई गई है, ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर इन कटक उड़ीसा। महानदी के, महानदी नदी जो है इसके तट पर कटक उड़ीसा में ये बनाई गई है। अब कैसे बनाई गई, ही इज अ सैंड आर्टिस्ट, तो समझ रहे हैं इसके थ्रू वो बनाते हैं। और जो सुदर्शन पटनायक है इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सैंड आर्ट। सैंड आर्ट के फील्ड में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक सुदर्शन पटनायक ने बनाई है, कौन है ये, सैंड आर्टिस्ट है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन, इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। और जो इन्होंने हॉकी स्टिक बनाई है 105 फीट लंबी है और महानदी नदी, महानदी जो रिवर है इसके तट पे बनाई है कटक उड़ीसा में, ठीक है।
चलिए इसी के साथ हमारा थर्ड पेज भी हो गया कंप्लीट। अब आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप वहां पर पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरी देखिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग नोट्स अपने आप बनाएं, क्योंकि अपने नोट्स से पढ़ने का मजा भी कुछ अलग ही होता है। बट इनके साथ बिजी हैं, कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो उस केस में थोड़ा आपको टाइम मिलता है तो उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। राइट, सेम उन्हीं नोट्स से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है, तो आपको एक तरह से वीडियोज भी मिल रही हैं, पीडीएफ फॉर्म भी मिल रही है, तो आपको पूरे का पूरा कोर्स आप कह सकते हैं कि काफी अफोर्डेबल रेट पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए काफी बातें हो गई। इस पेज पे पढ़े हमने तीन करंट अफेयर्स, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट थे। वीडियो के साथ साथ में रिक्वेस्ट है नोट्स जरूर बनाइएगा, और अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और लास्ट पेज की तरफ। आज का 11th पॉइंट है जियो ट्रू 5G सर्विसेज लॉन्च इन। जियो की ट्रू 5G सर्विसेज लॉन्च की गई है कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। ठीक है, किसने लॉन्च की है? बाय असम CM हिमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, तो ये तो आपको एज इट इज याद रखना है, 5G सर्विसेज, अच्छा क्वेश्चन है। गुवाहाटी असम में वहां के CM ने जो है लॉन्च की है। अब असम की कैपिटल दिसपुर, गवर्नर जगदीश मुखी, CM हिमंत बिस्व शर्मा, 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है, असम के साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सबकी बाउंड्रीज लगती हैं। ठीक है, तो एक बार नॉर्थ ईस्ट का मैप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना अपनी प्रिपरेशन तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा उन स्टेट्स में, पर धीरे धीरे आपको फिर वो बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11th पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट था। अब पढ़ते हैं आज का 12th पॉइंट, होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग। एक अवार्ड है, ठीक है, तो क्या अवार्ड है, क्या नाम है अवार्ड का? होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग अवार्डेड टू, किसे दिया गया है? 4 हिमाचल प्रदेश कॉप्स, 4 हिमाचल प्रदेश के जो ये पुलिस वाले हैं, मतलब है ना, पुलिस से हैं, इनको दिया गया है। तो उन पुलिस वालों के नाम क्या क्या हैं? अब इनमें से कोई IPS, जैसे ये IPS है, कोई SI है ना, तो अब इनके नाम आपको हल्का सा ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन पकड़ लिया ना एग्जामिनर ने तो फिर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रमेश चंद्र छाछटा, सब इंस्पेक्टर सतपाल, सब इंस्पेक्टर कृष्ण चंद एंड कुलतार सिंह, ये 4 है, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, होम मिनिस्टर का मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग। ऑल दिस बिलोंग टू HP पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज दरोह कांगड़ा। ट्रेनिंग कॉलेज है हिमाचल में, दरोह कांगड़ा में, तो वहां से ये 4 जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए 12th पॉइंट भी हो गया, दोनों पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट थे। आगे चलते हैं आज की 13th न्यूज पढ़ते हैं। लेट मी एडजस्ट दिस पेज फर्स्ट। ओके, आज का 13th पॉइंट है अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एक पॉलिसी जो है इंडिया की, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंडर इंडिया हैज हैंडेड ओवर 75 बसेस टू विच कंट्री। इंडिया ने 75 जो है पैसेंजर बसेस जो होती हैं वो मतलब दी हैं कौन सी कंट्री को? क्वेश्चन आपका ये है श्रीलंका को। देखिए श्रीलंका कहाँ पे है ना, इंडिया के साउदर्न पार्ट के साथ में नीचे को आता है, कौन से स्ट्रेट सेपरेट करती है, कौन सा है, सब कुछ आप देखिए वहां पे है ना मैप पे। यहाँ पे क्योंकि देखिए अब थोड़ा सा टाइम भी कम है, जगह भी कम है, अदरवाइज फिर हमें और करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे है ना, तो चलिए श्रीलंका को जो है इंडिया ने 75 पैसेंजर बसेस दी हैं नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर। क्यों दी है? टू हेल्प द कंट्री टाइड ओवर इट्स वर्स्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसका मतलब है कि अब जैसे आपको पता है श्रीलंका में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बस एज ए हेल्प दी है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। 14th पॉइंट आज का पढ़ते हैं, इंडियन सिलेक्टेड फॉर अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो पर्सनैलिटी चूज की गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अवार्ड है एक, कौन से, अब क्वेश्चन आपका ये कि कौन से इंडियन को सिलेक्ट किया गया है फॉर द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। वो सिलेक्ट किया गया है DY चंद्रचूड को। कौन है ये? ही इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50वें चीफ जस्टिस है इंडिया के। और क्यों दिया गया है इनको? इन रिकग्निशन ऑफ हिज लाइफ टाइम सर्विसेज टू द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड में जो भी इनकी लीगल सेक्टर में जो सर्विसेज रही हैं, जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप DY चंद्रचूड, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर, जो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर है उसका जो लीगल प्रोफेशनल पार्ट है उनके द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, चलिए 14th पॉइंट भी हो गया, अब हम पढ़ेंगे आज का लास्ट करंट अफेयर एंड दैट्स इट। सो आज का लास्ट पॉइंट है फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
समझ रहे हैं आप, किसी और कंट्री में है ये, है ना, किसी और कंट्री में जाकर जज बनना, बट ये होता क्या है ना, एक्चुअल में हम सोचते हैं मनप्रीत मोनिका सिंह यहाँ से गई होंगी वहाँ पे, फिर जाके स्टडी की होगी, फिर जज बनेंगे, ऐसा नहीं होता। इनका जो मतलब बर्थ है ना वहीं का है, इनकी शादी वहीं पे हुई, इनकी फैमिली है, आगे दो बच्चे हैं, तो मतलब सब कुछ वहीं के सेटल्ड है। बस ऐसा है कि इनके दादा पर दादा पापा वो जो फैमिली है वो यहाँ से है, तो फिर ये इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं। ऐसा ही ऋषि सुनाक का है जो ब्रिटिश पीएम बने हैं, हम उनका सोचते हैं कि शायद वो लोग यहाँ से गए होंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब उनके ओरिजिन यहाँ पे, दादा पर दादा या पापा या मम्मा, कोई जो है उनका फैमिली मेंबर यहाँ से गया होता तो वो इंडियन ओरिजिन हो जाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आपका ये है, पहली फीमेल, अब देख कितने ध्यान देने वाली बात है, यूनाइटेड स्टेट्स की यानी यूएसए की पहली फीमेल और सिख जज कौन बनी है, मनप्रीत मोनिका सिंह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, दो तीन को छोड़ के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।